पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाला छेरछेरा त्योहार राजधानी जयपुर के हृदय स्थल पर स्थित दूधाधारी मठ में भी हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। राज्य गो सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं दूधाधारी मठ पीठाधीश्वर राजेश्री डॉक्टर महंत राम सुंदर दास महाराज ने छेरछेरा के अवसर पर मठ में छेरछेरा मांगने के लिए आए हुए सभी लोगों को अन्न और द्रव्य दान दिया। इस अवसर पर लोग महंती महाराज से छेरछेरा प्राप्त करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते गए और अपने आप को सौभाग्यशाली मानकर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि छेरछेरा का त्योहार पूरे छत्तीसगढ़ में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। इसमें खरीफ फसल की लुआई मिसाई समाप्त होने के पश्चात किसान अपने परिश्रम से प्राप्त अन्न का दान करके पुण्य के भागी बनते हैं। अपन सबको भूल करके एक दूसरे से आज अन्न मांगने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ विशेष रूप से कृषि प्रधान प्रदेश है और किसान जब यहाँ धान के फसल को लू करके मिसाई करके अपने माई कोठी में रख लेते हैं, उसके बाद यह पौष पूर्णिमा का महान दान का पर्व महापर्व छेरछेरा आता है और गांव के सभी लोग घरों घर जा कर के छेरछेरा मांगते हैं और माई कोठी से धान निकाल करके अपने हाथों से लोग अन्न दान करते हैं। अन्न दान को महादान कहा गया है और छत्तीसगढ़ में सनातन से यह परंपरा चली आ रही है और आज के दिन लोग अन्न दान को लेकर के सामाजिक काम में और कोई भी धार्मिक काम में एक स्थायी निर्माण का ही काम करते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ का विशेष पर्व है, महान पर्व है, लोक पर्व है छेरछेरा का त्यौहार। हर साल आप भी अन्नदान लेते हैं? परंपरा के अनुसार जब से दूधाधारी मठ का निर्माण हुआ है तब से हम लोग भी प्रत्येक लोगों को छेरछेरा में अन्नदान करते हैं और आज भी हम लोग प्रातः काल से ही जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उन सबको अन्नदान कर रहे हैं और यह महान पर्व है। अन्नदान को महादान कहा गया है और दान करके पुण्य के भागी हम लोग बन रहे हैं।